हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स हाउ आर यू आल आई होप यू आल आर फाइन एंड यू आर योर होम सो स्टे होम स्टे सेफ बिकॉज़ कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है आपको पता होना चाहिए कि लगभग फिफ्टी थाउजेंड क्रॉस कर रहा है अब फिफ्टी थाउजेंड के आसपास पहुंच गया है और बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है तो आपको घर पर ही रहना चाहिए सैनिटाइज़र यूज करना चाहिए और इसके अलावा आपको मास्क भी यूज़ करना चाहिए सो माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज वन बी टूडे सो दिस इज़ मैथ्स क्लास सिक्स चैप्टर वन एक्सरसाइज वन बी ऑनलाइन क्लासेज बाई कुलदीप सर सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक फार्मूला बेसिक थिंग्स बेसिक रूल ऑफ दिस एक्सरसाइज सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न कंपेरिजन ऑफ नंबर्स हुच नंबर इज ग्रे ग्रेटर ग्रेटस्ट और स्मॉल इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड लाइक दैट थिंग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एक डेट आज की और क्लास सिक्स यहाँ से लिखा हुआ कंपेरिजन ऑफ नंबर्स लेट्स रीड इट इन आर्डर टू कंपेयर लेट्स a color. Okay. So, uh, you can see here. In order to compare two numbers, we adopt the following rules. Okay. आपको मिल गया यहाँ पे In order to compare टू नंबर्स वी adopt द फॉलोइंग रूल्स मतलब हम टू नंबर्स को कंपेयर करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करते हैं कितने रूल हैं टू रूल्स हैं यहाँ पर रूल नंबर वन रूल नंबर वन इज़ द नंबर विद लेस डिज़िट इज़ लेस दैन द नंबर विद मोर डिजिट्स इट मीन्स कि जिसमें जिस, जिस नंबर में कम डिज़िट्स होती हैं लेस डिज़िट्स होती हैं वो दूसरे नंबर से छोटा होता है द नंबर विद लेस डिजिट्स इज़ लेस देन द नंबर विद मोर डिज़िट ज़्यादा मान लो दो नंबर हैं दोनों में से एक में कम डिज़िट्स एक में ज़्यादा हैं तो जिसमें कम डिज़िट होंगी वो लेस होगा यानी कि छोटा होगा इस्मॉल होगा ओके फॉर एग्ज़ाम्पल फोर हंड्रेड ट्वेंटी थ्री इज लेस दैन फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी सिक्स बिकॉज इन फोर हंड्रेड ट्वेंटी थ्री देर आर थ्री डिजिट्स एंड देर आर फोर डिजिट्स इन फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी सिक्स है ना इसी लिए यहाँ पर थ्री डिजिट् हैं तो ये छोटा होगा इस्माल होगा लेस होगा इससे ठीक है गुड नव द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नाइन एट फाइव सिक्स थ्री सेवन एंड अदर नंबर नाइन एट फोर एट नाइन एट टू फाइव सो काउंट द डिजिट्स इन बोथ नंबर्स इन द फर्स्ट नंबर देयर आर नाइन एट फाइव सिक्स थ्री सेवन देर आर सिक्स डिजिट एंड इन द अदर नंबर नाइन एट फोर एट नाइन एट एंड टू फाइव सो देर आर एट डिजिट तो सिक्स डिजिट या एट डिजिट सिक्स डिजिट वाला नंबर छोटा होगा एट डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा ग्रेटर होगा ओके सो अगर डिजिट्स कम होंगी तो वो छोटा नंबर होगा बहुत ही बेसिक थिंग है इसमें ज़्यादा दिमाग हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है सो रूल नंबर वन इज़ द नंबर विद लेस डिजिट्स इन लेस दैन द नंबर विद मोर डिजिट्स इज़ क्लियर नाउ सो लेट्स अंडरस्टैंड रूल नंबर सेकेंड सपोज वी हैव टू वी हैव टू कंपेयर टू नंबर हैविंग द सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स न प्रोसीड एज अंडर सपोज मीन्स मान लेते हैं वी हैव टू कंपेयर हमें कंपेयर करना है टू नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ़ डिजिट दो नंबर्स का हमें कंपेयर करना है तुलना तो करनी है दो नंबर्स का जिनमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है मीन्स दोनों में सेम डिजिट्स हैं जैसे किसी में फाइव डिजिट है तो दूसरे नंबर में भी फाइव डिजिट हैं दैन वी प्रोसीड एज अंडर तब हम इस तरह से करते हैं इन स्टेप्स के जरिए सो लेट्स फॉलो द स्टेप फर्स्ट फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स अगर ऐसी बात होती है कि दोनों में सेम डिजिट हैं जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि एट नाइन सिक्स थ्री फोर में फाइव डिजिट्स हैं एंड देर आर आल्सो फाइव डिजिट्स इन फाइव नाइन टू सेवन थ्री मीन्स फिफ्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री सो देर आर फाइव डिजिट् इन बोथ ऑफ द नंबर्स सो अकॉर्डिंग टू द स्टेप फर्स्ट फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट मीन्स बाई तरफ मतलब है ना लेफ्ट मीन्स बाया तो लेफ्ट में सबसे ज़्यादा जो लेफ़्ट में लिखा हुआ है यानी कि पहला नंबर आप लेफ्ट से देखिए वो जो है वो क्या है तो फर्स्ट नंबर था एट्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर यहाँ पर एट है लेफ्ट मोस्ट नंबर लेफ्ट मोस्ट डिजिट एक्चुअली नंबर डिजिट्स का ग्रुप होता तो ये नंबर है आपका एट्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर और लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज़ एट एंड इन द सेकेंड नंबर लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज़ फाइव ठीक है तो एट और फाइव में कौन सा ग्रेटर ग्रेटेस्ट नंबर है एट इज़ ग्रेटर दैन फाइव सो एटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर इज़ ग्रेटर फिफ्टी नाइन थाउजेंड से टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री समझ गए हो ना मतलब कि अगर डिजिट सेम है तो हम फर्स्ट नंबर को दोनों को देखेंगे दोनों के फर्स्ट को दोनों में से जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा जो छोटा होगा छोटा हो जाएगा ठीक मतलब है मतलब स्मॉल ग्रेट समझ रहे हैं ना देखिए आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश वो तो आप आसानी से समझ पाएंगे हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं अगर हम केवल इंग्लिश में समझाएंगे तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे हम केवल हिंदी में समझाएंगे तो फिर ये लगेगा कि हाँ है ना तो इसलिए हम हिंदी भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये मत समझिएगा कि स्टेप टू इफ़ दे आर इक्ल इन वैल्यू देन कम्पेयर सेकेंड डिजिट्स फ्राम द लेफ्ट स्टेप टू में लिखा हुआ है कि इफ़ दे आर इक्वल मीन्स इफ फर्स्ट डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर आर इक्ल देन वी विल कम्पेयर द सेकेंड डिजिट्स फ्राम द लेफ्ट तो लेफ्ट से सेकेंड डिजिट्स देखेंगे यहाँ पर हमने टू नए नंबर्स लिए हैं सो देर आर एटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी फोर एंड एटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फाइव सो वी हैव टू कम्पेयर इट सो यू कैन सी हियर दीज फर्स्ट डिजिट इज़ एट एंड अदर नंबर्स फर्स्ट डिजिट इज़ एट सो बोथ नंबर्स फर्स्ट डिजिट इज एट एंड इक्वल एज यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि ये इक्वल है तो इन दिस कंडीशन हम दूसरा नंबर दूसरा डिज़िट देखेंगे यहाँ पर सेकेंड डिजिट कि वो क्या है सो देर आर सेवन इन एट्टी सेवन थाउजेंड थ्री हंड नाइनटी फोर देर आर नाइन इन एटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फाइव सेवन एंड नाइन कंपेयर इट फू इज ग्रेटर और स्मॉलर सो नाइन इज ग्रेटर्स नाइन इज ग्रेटर दैन सेवन सेवन इज लेस दैन नाइन सो दैट्स वाई एटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी फोर इज लेस दैन एट्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी फाइव आई थिंक यू जो है आप समझ गए हैं एंड नाउ इज थर्ड इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में

थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी फोर तो इसी वजह से ये जो आपका फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर से बड़ा है और इस वजह से मैंने ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर सिंबल यूज़ किया है नाउ स्टेप फोर कंटिन्यू अनटिल यू कम अक्रॉस अन डिजिट्स एट द कस्पॉन्डिंग प्लेस मतलब इसी तरह से हमने यहाँ पर थ्री स्टेप्स बताएं जैसे फोर फाइव सिक्स सेवन एट डिजिट्स जितने भी डिजिट होंगे उस तरह से आप कंपेयर करते जाएंगे तब तक कंपेयर करना है जब तक आपको अनइक्वल डिजिट्स ना मिल जाए जैसे कि आप फर्स्ट 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 डिजिट फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे तो इक्वल मिल गया तो आप सेकेंड डिजिट को कंपेयर करेंगे सेकेंड डिजिट्स अगर इक्वल है तो थर्ड को फिर थर्ड इक्वल है तो फोर्थ को तब तक कंपेयर करना है जब तक अन डिजिट्स ना मिल जाए और अगर आपकी सारी डिजिट्स इक्वल मिल जाती हैं लाइक दो नंबर हैं एट नाइन वन थ्री फोर एंड दूसरा है एट नाइन वन थ्री फोर तो जब एट नाइन वन थ्री फोर एट नाइन वन थ्री फोर जब सभी डिजिट्स इक्वल हैं तो वो ग्रेटर देन या लेस देन नहीं रहेंगे वो तो फिर इक्वल हो जाएंगे तो इफ आल डिजिट्स आल करेस्पॉन्डिंग डिजिट्स आर इक्वल देन दैट नंबर विल बी इक्वल राइट ओके सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज वन बी फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन सो आई सॉल्व थ्री क्वेश्चन हेयर एंड रेस्ट ऑफ दम इज़ फॉर यू सो देर आर सिक्स क्वेश्चन थ्री मैं कर दिया हूँ आप थ्री सॉल्व करिएगा देर आर वन ज़ीरो ज़ीरो थ्री फोर सिक्स सेवन एंड अदर नंबर इज़ नाइन एट सेवन नाइन सिक्स फाइव ठीक है सो काउंट करिए सबसे पहला स्टेप क्या आता है वहाँ पर रूल नंबर वन याद करिए रूल नंबर वन वाज फर्स्ट काउंट द डिजिट्स सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसमें तो सेवन डिजिट है से के अदर नंबर में नाइन एट सेवन नाइन सिक्स फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सेवन डिजिट इसमें सिक्स डिजिट हुच नंबर इज ग्रेटेस्ट सो सो लेट्स रीड अगैन रोल नंबर फर्स्ट द नंबर विद लेस डिजिट्स इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट्स मतलब अगर डिजिट्स कम होंगी तो छोटा होगा तो फिर समझ गया ना यहाँ पे सेवन डिजिट एन Six digits. So, ten lakhs three thousand four hundred sixty-seven is greater than nine lakhs eighty-seven thousand nine hundred sixty-five. Good. Let's solve the second one. This is three five seven two zero one four, and next one is uh, one zero two three five four zero one. So, count the digits. So, three one फाइव टू सेवन थ्री टू फोर जीरो फाइव वन सिक्स फोर सेवन सो देवन डिजिट एंड द अदर वन आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट डिजिट सो अगैन रूल वाज लेस डिजिट लेस सो दैट्स वाई दिस इज लेस दैन अदर वन इस तरीके से आप सिक्स भी देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया है डिजिट तो सेम है यहाँ पर 4789 3501 4, 4, In both numbers, there are eight digits. Then follow the next rule, rule number two. Suppose we have to compare two number having the same number of digits, then we proceed as under first. Compare the digits at the leftmost place in both the numbers, and if they are equal in va uh, value, then compare second digits from the left, and so on. So, uh, first, compare it. फोर सेवन फोर फर्स्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज़ फोर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ दिस अदर नंबर इज़ आल्सो फोर दैन सेवन सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे सेवन एंड सेवन ये भी इक्वल है थर्ड डिजिट एट एंड एट दिज आर इक्वल देन फोथ डिजिट नाइन एंड नाइन ये तो सभी इक्वल आ रहे हैं जी दैन फिफ्थ डिजिट ये देखिए आपका फिफ्थ डिजिट डिफरेंट है थ्री एंड फोर सो विच इज़ ग्रेटर थ्री और फोर थ्री इज़ लेस दैन फोर सो दैट्स वाई फर्स्ट नंबर इज़ लेस दैन सेकेंड नंबर गुड समझ रहे हैं ना ओके नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच इज डिसेंडिंग ऑर्डर सो देयर आर फाइव नंबर्स गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड वी हैव राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंडिंग ऑर्डर एंड नेक्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मींस घटते क्रम अगर हिंदी में हम कहें तो कभी आपने स्कूल में ध्यान दिया होगा जब हम लाइन से खड़े होते हैं असेंबली में तो सबसे छोटा जो बच्चा होता है इन हाइट हाइट में सबसे छोटे बच्चों को सबसे पहले खड़ा करते हैं एंड देन उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और इस तरीके से आपके सबसे बड़े भैया सबसे पीछे लगते हैं तो अब क्या समझ रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑर्डर देख रहे हैं एक क्रम देख रहे हैं सबसे छोटे को सबसे पहले दिन उसके बाद फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े तो ये असेंडिंग ऑर्डर है अगर हम इसी को पीछे से देखें तो सबसे बड़ा बड़े भैया फिर उससे छोटे फिर उससे छोटे फिर उससे छोटे तो ये जो क्रम हो जाएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा ओके डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर रहेगा और उसमें छोटा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ सेवन थ्री फाइव फोर टू जीरो सिक्स सेवन थ्री डबल फाइव जीरो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यह जो दिया हुआ ये असेंडिंग है डिसेंडिंग है ये रॉन्ग है ये मैंने आपको समझाने के लिए रॉन्ग कर दिया है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है नहीं <laughs> ये असेंडिंग ऑर्डर है ठीक है समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा नंबर देर आर फाइव नंबर्स तो इसी को अपोजिट राइट कर देंगे अगर हम पीछे से पहले ये वन जीरो टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट जीरो वाला नंबर पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे सिक्स थ्री फाइव टू वन जीरो फोर सेवन उसके बाद लिखेंगे सिक्स थ्री फाइव वन फोर सेवन फाइव नाइन अगेन राइट करेंगे फोर वन जीरो ये सेवन थ्री डबल फाइव जीरो वन फोर देन सेवन थ्री फाइव फोर टू जीरो सिक्स तभी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा सो दिस इज़ रॉन्ग प्लीज़ डू राइट स्टूडेंट्स मैंने ये आपके लिए रॉन्ग किया है जानबूझ करके ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दें और जो लोग विदाउट वीडियो वॉच किए ठीक से ये आंसर जो है चीट कर लेते हैं उन लोगों के लिए मैंने ऐसा किया है नंबर्स ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर सेम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े फिर सबसे बड़े नंबर्स को राइट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा कंपेयर्स आप कैसे करेंगे आपने यहाँ पर देखा ये ओके okay. So, uh, exercise 1b is compl uh, complete now. And uh, please like, share, and subscribe the video. And uh, if you are not understanding well, then uh, watch the videos three, four times as well as uh, needed. So, um, please share this video with your friends. And bye bye.